दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नोवल प्लस टैबलेट के बारे में कि अगर आप नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं नोवल प्लस टैबलेट का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है, आपको बुखार है, तो उस केस में अगर आप नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसके साथ में आपको एंटीबायोटिक दवा भी लेनी होगी। एंटीबायोटिक दवा में आप महासेप प्लस ले सकते हैं। महासेप प्लस और नोवल प्लस टैबलेट, इन दोनों टैबलेट्स का आप सुबह शाम में प्रयोग करिए 4-5 दिनों तक। तो इससे अगर आपको बुखार काफ़ी दिनों से हो रहा था तब भी आपका बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो आप केवल नोवल प्लस टैबलेट को ही ले सकते हैं। जैसे आपने दिन भर में बहुत सारे काम किए, बहुत दूर से आपने यात्रा की है और आपके बॉडी में पेन होने लगा है, आपने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की है या फिर आपने खेत में बहुत सारे जो हैं वर्क किए हैं, काम किए हैं, तो आपके बॉडी में एक थकावट सी होने लगती है और आपके बॉडी में पेन होने लगता है। तो वहाँ पे अगर आप नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको बुखार काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी अगर आप नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर आप एंटीबायोटिक दवा भी ले लेते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स है जस्ट डबल हो जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जब भी नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करें तो इसके साथ में अगर आप एंटीबायोटिक दवा भी ले लेते हैं तो रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आपका जो डिसीज था, आपकी जो बीमारी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसमें फार्मूले कौन कौन से डाले गए हैं। तो इसमें डाला गया है आपका नीमोसलाइड और एसिटामाइनोफेन, दो फार्मूले इसमें डाले गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको बुखार है या फिर आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो उस केस में आप नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करें। इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है मैनकाइंड, मैनकाइंड कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है, उसे सेल भी करती है। बात कर लेते हैं इसकी MRP की दोस्तों। तो इसकी MRP जो है 61 रुपये है। 61 रुपये में आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कोई अगर गर्भवती महिला है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में उनको एसिलाक टैबलेट का या फिर OMD कैप्सूल जो आता है उसका प्रयोग करना होगा, डेकाडान टैबलेट का प्रयोग करना होगा। यानी अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो इसके साथ में एसिलाक और डेकाडान का जरूर प्रयोग करे, नहीं तो वो नुकसान कर सकता है उनको। बाकी जिनकी उम्र 18 साल से कम की है वो लोग नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग ना करें, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है वही लोग इसका प्रयोग करें। और जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो इसका अगर प्रयोग करती हैं तो डेकाडान एसिलाक के साथ में प्रयोग करें, अन्यथा अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसी डॉक्टर से जाके सलाह ले लें, उसके बाद में ही नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करें। बाकी जो और लोग हैं वो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके प्रयोग से आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो दिखाते हैं इसकी पैकिंग कैसी दिखती है। तो आगे से तो येलो होता है, पीला कलर का होता है और इसका जो टैबलेट होता है वो होता है आपका वाइट कलर का। बाकी जो बैक साइड की पैकिंग है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बैक में होता है इसके नोवल प्लस के। तो अगर आपको बुखार है या फिर अगर आपको दर्द हो रहा है आपकी बॉडी में तो, और या फिर आप बहुत देर तक काम किए हैं उसके बाद में आपको थकावट महसूस होने लगी है तो वहाँ पर अगर आप नोवल प्लस टैबलेट को ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप महासेप प्लस और नोवल प्लस टैबलेट का प्रयोग करिए, इससे आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, आपके बॉडी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोवल प्लस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो जो हमने आपको ना प्रोवाइड की हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।